अस्सलाम वालेकुम। तो धोरण 11 के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था माहितोनु निरूपण। माहितोनु निरूपण के अंदर हम लोगों ने असतत आवृत्ति का कल दाखला सीख लिया, आज हम लोग सतत आवृत्ति का दाखला सीखेंगे। तो ध्यान देना, स्वाध्याय 2.1 दाखला नंबर 2, पहले मैं पूरी रकम पढ़ता हूँ और दाखला कैसे होता है हम लोग वो समझते हैं। तो लिखा हुआ है, एक ऑफिस का कार्यकर्ता 60 कर्मचारियों, कितने कर्मचारी है 60, उम्र ना नीचे प्रमाणे दर्शावे छे, वर लंबाई 5 लाइन है। देखो इसने यहाँ बोल दिया है, कल की अगर बात करूँ मैं तो कल उसने वर लंबाई 5 ऐसा कुछ बोला नहीं था, असतत थी वो, मतलब 0 से 4 तक की रकम थी, यहाँ उसने इतनी सारी रकम दी हुई है। तो हम लोग ऐसे नहीं ले सकते 31, 32, 33, ऐसे तो दाखला बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ बोल भी दिया उसने हमारे को कि वर लंबाई कितनी लेनी है आपको, 5 लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे को रकम दी हुई है, सबसे पहले तुम्हारे क्या करना है, ये जो पूरी रकम है उसके अंदर सौथी नानो रकम और सौथी मोटी रकम आप लोग को ये देखनी है। अगर आप लोग को सौथी नानी रकम और सौथी मोटी रकम मिल जाएगी उसके बाद ही ये वर्क बन पाएगा, उसके पहले नहीं बन पाएगा। तो चलो ढूंढते हम लोग, तो सौथी नानी रकम कितनी है, तो सबसे छोटी रकम एक तो 21 है और सबसे बड़ी रकम 57, 8 है ना, ओके, तो 58 मतलब 58 है, ठीक है। मतलब हमारे वो रकम 21 से लेकर 58 के बीच में दी हुई है। तो हम लोग यहाँ वर ले गए, लेकिन वर लंबाई का डिस्टेंस कितना ले गए, बोल दिया उसने रकम में कितना 5। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 से 25। अब कई लोग मेरे को सवाल भी करते हैं कि सर हम लोग 15 से 20 क्यों नहीं ले सकते। मान लो कि 15 से 20 लिया भी, तो क्या 15 से 20 की रकम इसमें है, नहीं है। तो ये वाली संख्या आवृत्ति चिन्ह बनेगा, नहीं बनेगा, तो वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो वर लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ छोटे में छोटी रकम कौन सी है, 21 है, तो हम लोगों ने क्या ले लिया, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। तो ये हमारा वर्ग रेडी हो गया। अब ये बनाते टाइम बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें गलती होती है। तुम लोगों को क्या करना है, ये जब भी आवृत्ति चिन्ह करो तो यूँ हम लोग ऐसे पॉइंट्स लेंगे, जैसे पहले कितना है 32 है, तो 32 पेंसिल से चेक मार देने का ताकि डबल बार रिपीट ना हो। 32 है तो 32 का आता है 30 और 35 के बीच में, तो यहाँ लिख एक। 48 तो 48 का आता है 45 और 50 के बीच में, एक याद। 30 तो देखो मेरी बात सुनो, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, हमेशा नीचे वाले में 30 लेंगे, ऊपर वाले में नहीं लेने का, जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ लेने का, तो 30 यहाँ रखा। 36 35 से 40 में, 36 42 तो 42 का आएगा 40 से 45 में, 43 तो 40 से 45 में, ओके। उसी तरह ये पूरी लाइन जो है वो 1-to-1 हम लोग ऐसे लेते जाएंगे और आवृत्ति चिन्ह करते जाएंगे। अब मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ और ये पूरा जो दाखला है वो मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। ये गणना पूरी कंप्लीट कर ली है, आप लोग देख सकते हो, मैं वापस से थोड़ा सा रिविज़न कराता हूँ, ध्यान देना। वर्क कैसे करना आपको पता चल गया ना, 5 की वर लंबाई लेनी है, सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये, फिर इसके बीच का डिस्टेंस हमारे निकालना है। अच्छा, ये आवृत्ति चिन्ह में ध्यान रखना है, ऐसे लाइन से करना है, और जैसे जैसे पत्ते जाएगा आप उसको क्या करते जाओगे, कैंसिल करते जाओगे। तो ये हमारा दाखला यहाँ कंप्लीट हो गया है, टोटल यहाँ 60 आ गया और रकम में 60 कर्मचारी बोला भी था, हमारा जॉब परफेक्ट सही है। अब मैं आप लोग को होमवर्क के अंदर 2 दाखले देने वाला हूँ, वो दाखले करो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नवा पढ़ाव सीखेंगे।